सुखू अलग अलग मंचों से लगातार कांग्रेस के बागी नेताओं और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने हिमाचल के पालमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार फिर से कांग्रेस के बागी नेताओं और बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि बीजेपी वाले सत्ता की भूख में बागी विधायकों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारा जनसेवा का कार्य नहीं रुकने वाला, क्योंकि हमारे पीछे जनबल की ताकत है। 28 तारीख को फाइनेंशियल बिल पर वोटिंग होनी थी, बजट पर वोटिंग होनी थी। उस वोटिंग में हमारे साथियों ने बात की कि आप कम से कम अब वोटिंग में जो आम लोगों से संबंधित बजट है उसमें आप अपना योगदान दीजिए, लेकिन वो तो हेलीकॉप्टर में पंचकुला से उड़कर आ रहे थे। दो दो हेलीकॉप्टर विधानसभा के ऊपर रुककर अनाडेल में रुकते थे। सीआरपीएफ वाले थे, हरियाणा की पुलिस थी, पहले तो आके गेट तोड़ दिए, फिर विधानसभा में आए, फटाफट हाजिरी लगाने लगे और विधानसभा में उपस्थित नहीं हुए और फिर भागे। अब कुएं के मेंढक की तरह पहले पंचकुला के ललित होटल में गए, फिर हरिद्वार अपने पाप धोने के लिए गए, फिर हरिद्वार के बाद ऋषिकेश चले गए और आपको पता लगा कि वो गुड़गांव के हेल्थ एजेंसी में चले गए। किसने इतना पैसा खर्च किया? 2 करोड़ के करीब अभी तक उन पर खर्चा हो चुका है। कहां से ये पैसा आया? कौन लोग है जो उन पैसों को खर्च कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये जयराम ठाकुर जी है जिन्हें कुर्सी की भूख बार बार सता रही है। वो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। हम लोग तो सत्ता के बगैर ही 37 साल से राजनीति में संघर्ष करते आए हैं। हम लोग सत्ता के सहारे राजनीति नहीं करते, हमारा जीवन तो संघर्ष से भरा पड़ा है। इन बातों से मैं घबरा रहा हूं।